नमस्कार से दोस्तों, शुभ संध्या। आज है महाअष्टमी, आप सबको महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं यहाँ पुराने वाले घर पे हूँ। सुबह मैंने एक ब्लॉग एंड किया था और इस समय फिर से एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज महाअष्टमी है तो मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे दुर्गा पंडाल देखने, जो सजा हुआ है वहाँ जाएंगे, आपके साथ में भी शेयर करेंगे। थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी सबको खाना खिला दिया है और अभी आशीष जी जा रहे हैं सृष्टि को लेने। उसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने माता रानी के। तो थोड़ा सा होलिया मैं सही कर देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग आ गए हैं तुलसी पार्क वाले माता रानी के दर्शन करने। अभी हम लोग जा रहे हैं अस्पताल वाले मंदिर। और अरे ये था तुलसी पार्क, हमारे घर के पास ही है। सृष्टि मजा आई? बहुत मजा आई। मन था इनको शेर के मुंह के अंदर से जाने का। अरे अंदर से भी रास्ता था ना, हर तरफ से रास्ता था। हॉस्पिटल वाले तो मंदिर जा रहे हैं, ये पहुंच गए हैं। सब घर के पास ही है, ये अच्छी चीज़ है, सब कुछ घर के पास है, यही है। Thank you.
डालो। जय माता दी। अभी हम लोग घर आ गए, अभी नहीं मतलब कि थोड़ा टाइम हो गया है। मैंने अपनी पेट पूजा भी कर ली है और ये देखिए सृष्टि आई है। इनका बिना गाने का डांस हो रहा है भाई, कितना अच्छा टैलेंट है। कहीं भी सुर जाती बिना गाने के। हाँ सृष्टि तो क्या, देखो लगे ना बेटा। और अभी टाइम हो रहा है 11:15। अभी हम लोग किचन में आ गए हैं। हाँ हाय, ये क्या हाय कर रही हो कि बाय कर रही हो? हाय। जा रही हो क्या? नहीं अभी नहीं। हाय। अच्छा हाय। यहाँ पे मलाई पक रही है घी बनाने के लिए, है ना? कल के लिए। कल के लिए हवन। हवन के लिए नहीं, तो हवन के लिए थोड़ी ना, ये तो माता रानी के दिया जलता है ना, दीपक जो जलता है उसके लिए। ये पुरानी है और क्या? पुरानी ये आज मैंने ये नया टॉवल निकाला है किचन के लिए, आप देख सकते हो फर्क है। हाँ ये गंदी हो गई है, साफ है। आज ये निकाला, ये बहुत पहले से चल रही है। हाँ। और कल है नौमी, रामनवमी है कल, परसों है दशहरा। तो कल हवन होना है घर पे, सुबह जल्दी उठना है। और मैंने सोचा मंदिर में घी खत्म भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मलाई पका लेते हैं। और अभी पेपर ले लिया। और हम लोग गए थे तुलसी पार्क, हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ पे गए थे हम। वैसे तो पूरे बलरामपुर में जगह जगह पे पंडाल लगे हुए हैं माता रानी के, तो सब जगह तो नहीं गए थे, जो पास पास जगह थी वहाँ पे हम लोग गए थे, क्योंकि रात भी हो गई थी और सृष्टि भी साथ में गई थी, मजा आया था, है ना? ये कोरोना के बाद सजा है काफी अच्छे से, 2 साल बाद काफी अच्छे से सजाया गया है, डेकोरेशन हुआ है पहले जैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल हमारे जो घर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ पे कल जो है थाल कंपटीशन होगा, किसकी थाल जो पूजा की थाली है जिसकी बहुत ही अच्छी सजी होगी, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होगा उसका, उसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज मिलेगा। मैं भी करूँगी। तुम भी करोगी तो सजाना थाल, तो अगर हो सकेगा तो शेयर करूँगी। ठीक है, सुबह नहीं करना है, शाम को करना है, दिन भर अपना रहना घर पे, तो सजा लेना थाल अच्छे से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ पे। यदि आज का ब्लॉग पसंद आया हो, सृष्टि बोलनी पहले एक बार रुक जाइए। हाँ ये क्या बना है लो। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और यदि आज का ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना सृष्टि, लाइक कैसा? लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय 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 बाय।